Hello Baccio. let's see this question the question says two crosses between the same pair of genotype or phenotype in which the source of gametes are reversed in one cross is known as test cross reciprocal cross dihybrid cross or monohybrid cross so the key concept for this question is we need to understand the different type of cross different type of cross and dear and dear Purpose, right? So, this is our key concept. Now, let's first discuss the test cross. First, what is our test cross? So, what happens in test cross? So, in test cross, we cross the individual with an homozygous homozygous recessive homozygous recessive individual. For example, AA and होमोजाइगस रिसेस दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल तो हम इस इंडिविजुअल को क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ टू डेटरमाइन इससे हम क्या डेटरमाइन करते हैं इसका पर्पज क्या हुआ सो इट इज यूज टू डेटरमाइन डेटरमाइन द जीनो टाइप जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल विथ डोमेंट फीनो टाइप राइट सो दिस वॉज फर्स्ट क्रॉस नाउ द सेकेंड क्रॉस इज डाय हाइब्रिड क्रॉस सेकेंड क्रॉस क्या है हमारा हाइब्रिड क्रॉस

नाइन इस टू थ्री इस टू थ्री इस टू वन इफ द ट्रेड्स आर असॉटेड इंडिपेंडेंटली एंड इट इज़ यूज इट इज़ यूज टू एग्जामिन द इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस ऑफ टू डिफरेंट ट्रेड्स साइमलटेनियसली एंड डायहाइब्रिड क्रॉस का क्या यूज होता है तो इट इज़ यूज टू एग्जामिन द इनेरिटेंस ऑफ द टू डिफरेंट ट्रेड्स साइमिलटेनियसली ओके, सो ये तो हो गया हमारा सेकंड क्रॉस दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस नाउ द थर्ड क्रॉस इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमारा थर्ड क्रॉस क्या है इट्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस सो व्हाट हैपेंस इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस सो इट इन्वॉल्व्स क्रॉस बिटवीन द इंडिविजुअल दैट आर हेट्रोजाइगस फॉर सिंगल ट्रेड। इट इंक्लूड्स क्रॉस दैट क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल्स दैट आर हेट्रोजाइगस टरोस फॉर सिंगल ट्रेट फॉर सिंगल ट्रेट तो दे फॉर इट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड इट इज टिपिकली यूज टू इन्वेस्टिगेट द इनहेरिटेंस ऑफ वन स्पेसिफिक जीन इट इज यूज टू चेक द इनहेरिटेंस ऑफ वन स्पेसिफिक जीन राइट सो ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस और इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है इट्स फिनोटिपिक रेशियो इज ratio is 3 is to 1 3 is to 1 is the phenotypic ratio for the monohybrid cross now the last cross is reciprocal cross reciprocal cross now what is reciprocal cross so it involves two crosses two crosses between the same pair of genotype between the same pair of genotype and phenotype Where the where the source of gamete source of gametes that is male and female are reversed are reversed in each cross in each क्रॉस सो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है इसमें दो क्रॉसेज होते हैं बिटवीन द सेम पेयर ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप और जब इसमें हम क्या करते हैं एक क्रॉस में हमारा मेल डोमिनेंट होता है और फीमेल रिसेसिव होती है और दूसरे क्रॉस में फीमेल डोमिनेंट होती है और मेल रिसेसिव होता है यानी कि हम जो हमारा सोर्स ऑफ डिमीट है वो रिवर्स कर देते हैं दोनों क्रॉसेज के अंदर सो दिस इज रेसिप्रोकल क्रॉस और इसका यूज क्या होता है सो इट इज यूज टू चेक द इन्फ्लुएंस टू चेक द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंटल सेक्स ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रीट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रीट सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रेसिप्रोकल क्रॉस देर फॉर हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का सो द आंसर इज रेसिप्रोल क्रॉस दैट इज ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दट इज रेसिप्रोकल क्रॉस इज द इज द टू क्रॉस बिटवीन द से पेयर ऑफ जीनोटाइप और फिनोटाइप इन विच द सोर्स ऑफ द गेमीट्स आर रिवर्सड इन वन क्रॉस इज नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉस आई होप यू अंडरस्टूड बेस्ट ऑफ लक